अम्मा चाची बुआ मामी मौसी सब यही कहती देख देख इसका माथा मुझ पर गया है, कोई कहती आंख मुझ पर, कोई नाक, कोई हंसी, कोई होंठ, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है ये। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सिर्फ पलटी मार गई, कहने लगी हराम खोर पता नहीं किस पर गया। अच्छा मैं बिगड़ ना जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी के अच्छा विचार था मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं गुजार पाई, मैं वहां भी अति प्रसन्न पांचवी तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया, वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे, कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या। अच्छा जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे, जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिर आज 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण भर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। आप सभी पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़े होंगे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गा, आह से गान कविता निकलती है, आह कब निकलती है। अकेले मुझको देख करके मत हंसो, बिना पढ़े कोई कवि बनता ही नहीं, ये जितने हैं ना सब पर पढ़े और जिस पर जैसी पढ़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें टीवी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पीते जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं, जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पीते हैं हास्य की कविता सुना। आ